हिमाचल के पोंग बांध विस्थापितों का सब्र का बांध अब टूटने लगा है। 47 साल से विस्थापन का दंश झेल रहे पोंग बांध विस्थापित आज राजा का तालाब में खूब गरजे। विस्थापितों ने करीब एक घंटे तक जसूर ज्वाली मार्ग पर यातायात जाम किया। इस मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। सूचना मिलते ही डीएसपी नूरपुर साहिल अरोड़ा व अन्य अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर विस्थापितों को समझाया और मार्ग बहाल करवाया। हाथों में तख्तियां लिए समिति सदस्यों ने केंद्र, प्रदेश व राजस्थान सरकार को चेताया कि अगर जल्द पोंग बांध विस्थापितों की समस्याओं पर कोई फैसला नहीं लिया तो विस्थापितों करो या मरो की नीति पर चलते हुए आंदोलन करेंगे। उन्होंने कहा कि 47 वर्ष के बाद भी पोंग बांध विस्थापितों की समस्या ज्यों की त्यों है। उन्होंने प्रदेश सरकार, सांसदों व प्रतिनिधियों पर आरोप लगाया है कि वे विस्थापितों के हक की आवाज को प्रमुखता से नहीं उठा पाए हैं। विस्थापितों का कहना है कि जब भी प्रदेश में चुनाव आते हैं तो दोनों ही प्रमुख पार्टियों को विस्थापितों की याद मात्र वोटों की ही राजनीति के लिए आती है। आखिरकार विस्थापितों की अनदेखी का क्या कारण है? पोंग डैम बनने के समझौते के अनुसार आज तक विस्थापितों को राजस्थान में जमीन नहीं मिल पाई है। यहाँ वहां रहकर परिवार गुजर बसर कर रहे हैं। 47 साल से विस्थापित केंद्र, प्रदेश व राजस्थान सरकार से हक मांग रहे हैं लेकिन आज तक हक नहीं मिला है। अब मजबूरन आंदोलन के लिए बाध्य हो गए हैं। ये आश्वासन दिया कि मैं विद इन 15 डेज आपकी उच्च अधिकारियों से मीटिंग करवाऊंगा और उसमें जितने भी आपके मसले और बाहर रखे जाएंगे। तो आपके उसमें क्या क्या मांगे रखी गई? हमारी 2,20,000 एकड़ भूमि है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, 1188 मुरब्बे है और जो सेकंड फेज है उसमें हमने जमीन नहीं लेनी है। 48 साल का मुआवजा जो कि हाई पावर कमेटी ने अपनी 23वीं मीटिंग में डिसाइड किया है, उसके हिसाब से 48 साल का मुआवजा और मुरब्बे की कीमत एट प्रेजेंट जो गंगानगर के मुरब्बे की कीमत है उसके हिसाब से मुरब्बे की कीमत और 48 साल का मुआवजा देखिए। हमने छोड़ा अपना राइट, हमने अपना राइट छोड़ा। वो राजस्थान सरकार जो है वो अपने लोगों को बसाए वहां पर दे जो मर्जी करे, तो लेटर डाल रही है जो मर्जी करे। ये किस्सा ही खत्म हो जाएगा पोंग डैम हॉस्पिटल, क्योंकि 50 साल हो गए और ज्यादा नहीं हम मतलब उन्होंने रिजर्व भूमि पूरी की पूरी कैप्चर कर ली हुई है, वहां पर अपने लोगों को अलॉटमेंटें कर दी हुई हैं, नजायज बैठाए हुए हैं जी। ये तो ऑनरेबल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के वर्ड हैं, उन्होंने कहा था कि मतलब ये जैसलमेर या सेकंड फेज में नहीं जा सकते पोंग डैम ओस्ती, क्योंकि वो 1300 किलोमीटर दूर है और वहां पर कोई फैसिलिटी नहीं है और ना ही ये पोंग डैम ओस्ती जो है वो डिस्ट्रिक्ट गंगानगर में मुरब्बे ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर सारे कब्जाधारी बैठे हुए हैं और वहाँ पर बंदूकें लेके बैठे हुए हैं। हमारे लोग जो हैं शरीफ लोग हैं, ये उनका मुकाबला नहीं कर सकते। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।